तो चलिए शुरू करते हैं रामकृष्ण परमहंस के सत उपदेश आत्मज्ञान। मनुष्य जब स्वतः अपने को पहचान लेता है तब वह ईश्वर को भी पहचान सकता है। मैं कौन हूँ इसका भली भांति विचार करने पर जाना जाता है कि मैं या हम कहने वाला कोई पदार्थ नहीं है। हाथ पांव, आंख, नाक, रक्त, हाड़, मांस, मज्जा आदि में से मैं कौन हूँ? प्याज के छिलके छिलने पर जैसे केवल छिलके ही छिलके हो जाते हैं, शेष सार कुछ नहीं बचता, उसी प्रकार विचार करने पर मैं या मेरा कहने योग्य कुछ नहीं बचता। एक व्यक्ति ने परमहंस जी से कहा, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसे एक ही बात में ज्ञानोदय हो जाए। परमहंस जी ने उत्तर दिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बस ऐसे धारण कर लो। शरीर रहते हमारा ममत्व या मेरापन एकदम निशेष नहीं हो सकता, कुछ न कुछ बना ही रहता है। जैसे नारियल या खजूर के पत्ते तो गिर जाते हैं किंतु वृक्ष के पिंड में उसके चिन्ह बने रहते हैं, किंतु ये सामान्य ममत्व मुक्त पुरुषों को आबद्ध नहीं कर सकता। नेटा तोतापुरी से परमहंस जी ने पूछा कि तुम्हारी जैसी अवस्था है उसमें तुम्हें नित्य ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? तोतापुरी ने उत्तर दिया कि बर्तन यदि रोज रोज न मांजा जाए तो उसमें दाग पड़ जाते हैं। इसी प्रकार नित्य ध्यान न करने से चित्त अशुद्ध हो जाता है। परमहंस जी ने कहा, यदि सोने का बर्तन हो तो उसमें दाग नहीं पड़ सकता, अर्थात सच्चिदानंद लाभ होने पर फिर साधना की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे पैर में जूता पहनकर लोग स्वच्छंदता के साथ कांटों पर से विचरण करते हैं, उसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य एक कंटकमय संसार में निर्भय रह सकते हैं। जो मनुष्य अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, समझना चाहिए कि उसे अल्लाह का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन मनुष्य को ईश्वर दर्शन हो जाता है उस दिन वो शांत होकर अपने आप में लीन हो जाता है। कमलों के खिलने पर भंवरे आप ही आप उनकी ओर जाने लगते हैं। इसी प्रकार आत्म जागृति होने पर सब कुछ सिद्ध हो जाता है। अरे मूर्ख, क्या तुझे नहीं सुन पड़ता कि सो अहम का नाद तेरे हृदय में नीनादित हो रहा है? जब तक मनुष्य को अजो नित्य शाश्वतो अहम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरम का अनुभव नहीं होता, तब तक उसे संकट, दुख और चिंता की किस्तें भरनी ही पड़ती है। एक साधु सदैव ज्ञानोन्माद अवस्था में रहता था और कभी किसी से अधिक बातचीत नहीं करता था। एक दिन वह नगर में भीख मांगने के लिए गया और एक घर से भिक्षा में उसे जो अन्न मिला उसे वह वहीं बैठकर खाने लगा और साथ में कुत्ते को भी खिलाने लगा। यह देख अनेक लोग वहां जुड़ गए और उनमें से कोई कोई उसे पागल कर उसका उपहास करने लगे। यह देखकर साधु ने उन लोगों से कहा, तुम हंसते क्यों हो? विष्णु परिस्थितो विष्णु विष्णु खादती विष्णवे कतम हससी रे विष्णु सव विष्णुमय जगत। क्योंकि हर परिस्थिति में विष्णु रहते हैं।